नमस्कार साथियों, और स्वागत है फिर दोबारा से आप सभी का अपने इस YouTube चैनल घर की छत पर मुर्गी पालन पर। और आज की जो हमारी वीडियो है वो एक प्रैक्टिकल वीडियो है, क्योंकि कल रात पूरी रात जो है बारिश हुई लगातार, और ना केवल हमारे इस एरिया में बल्कि लगभग हर एक एरिया में जो बारिश है वो काफ़ी हुई है। और आसपास का अगर आप माहौल देखना चाहते हो तो उसके लिए जो हमारा व्लॉग आएगा कल, उसमें आप लोग देख सकते हो कि किस तरह के जो कंडीशन यहाँ पर हो रखी है। हमारे घर के आसपास सारे में एकदम पानी पानी हो रखा है, और इवन जो दोनों तरफ की हमारी खिड़कियाँ थी इनको ढकने के बावजूद भी जो ये कमरा है इसके अंदर पानी पानी हो रखा है। और एक्चुअली में पानी इतना रुका तो नहीं है, थोड़ा बहुत रुका है, क्योंकि इस कोने में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर हमने एक होल कर रखा है आर पार, कि अगर पानी होता है तो वो बाहर निकल जाए। तो अभी हम लोग इसकी कर रहे हैं सफाई। और बात करें अगर चूज़ों की, क्योंकि बाहर थोड़ा सा चील का खतरा है, इस वजह से इन वाले चूज़ों को अभी बाहर हमने नहीं निकाला। इसके अलावा जो हमारे दूसरे बर्ड्स हैं वो आप ये लोग देख सकते हो कि ये वाला केज जो छोटा वाला है इसको हमने पूरे को बाहर निकाल दिया है। और ये जो बर्ड्स हैं ये भी काफ़ी हद तक के भीगी हुई है, और ये भीगी इस वजह से क्योंकि जाल के नीचे कुछ हमने ऐसा रखा नहीं था जिससे गैप रहे, क्योंकि उसके लिए रीज़न मैंने आपको बताया था कि दाना जो है वो बहुत ज़्यादा बिखेरते हैं, और जब ये फर्श में ही रहता है तो उस केस में तो ये कि चलो ज़मीन से भी दाना चुग लेते हैं। और साथ में अगर हम बात करें अपने इस साइड की, तो अभी थोड़ी देर में ये वाले चिक्स को बाहर निकाल देंगे, क्योंकि मैं निकल रहा हूँ अभी ऑफिस के लिए। और तो अभी भाई लंच कर रहा है, तो जैसे वो लंच करके आता है इन वाले चूज़ों को भी हम लोग बाहर निकाल देंगे, ताकि जो इस कमरे की सफाई है वो अच्छी रीति से हो सके। और मेरी वाइफ जो है वो फ़िलहाल कर रही है अभी सफाई इसकी, तो जल्द से जल्द ये कर देगी इसकी सफाई। लेकिन प्रॉब्लम यही है क्योंकि इन चिक्स को बाहर निकालना पड़ेगा, तब जा कर के अच्छी रीति से सफाई हो पाएगी। और मेरा बेटा डैनियल फ़िलहाल दरवाजे में है, वो रोक रहा है चिक्स को बाहर निकलने से, तो जैसे ही भाई आएगा ऊपर उसके बाद हम इन सारे चिक्स को निकाल देंगे, क्योंकि एक कोई बड़ा चाहिए जो कि बर्ड्स को देख रेख कर सके, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि थोड़ा सा चील का खतरा है, तो क्योंकि छोटे ही हैं चिक, तो ऐसा ना हो कि कोई उनको उठा के ले जाए। और उसके अलावा अगर हम बात करें अपने असील मुर्गी की, तो एग्स जो है इसने ख़राब कर दिए हैं, और एक्चुअल में इसने निकाले तो थे दो चिक्स, और वो मैं दिखा देता हूँ। ये दो एग्स अगर आप देखेंगे यहाँ पे पड़े हैं, तो एक चिक तो कम से कम 4-5 दिन पहले निकला था, और उसको क्या करा कि इस मुर्गी ने उसको खा लिया। पता नहीं वो शायद अनडेवलप था कि कैसा था, इस मुर्गी ने उसको खा लिया। उसके अलावा एक अंडा इसने फोड़ दिया था, और कल इसमें से एक चिक और निकला था लेकिन वो भी इसके नीचे दब करके मर गया। और बाकी अभी ये 5 एग्स पे अभी भी बैठी हुई है, हालांकि वो एग्स ख़राब हो चुके हैं क्योंकि 23-24वां दिन है आज। उस वजह से जो एग्स है वो मेरे को हटाने पड़ेंगे, और अंदर की भी जो कंडीशन है वो आप देख सकते हो, क्योंकि सारा भीग गया था एकदम। इस वजह से खैर ये मुर्गी मैंने उठानी भी है, क्योंकि चिक तो अब निकलेंगे नहीं उन एग्स में से। आज मैं इनको अभी उठा देंगे, और जो इस कमरे की सफाई है वो पूरी तरीके से हो जाएगी। और अब की बार हम कोशिश ये करेंगे कि जो जाल है ये बाहर ही रहे, और केवल जो हमारी मुर्गियां हैं वो अंदर रहे, क्योंकि एक दिक्कत ही हो रही है, जैसे अलग अलग पार्ट्स में बर्ड्स हैं हमारे, जैसे ये सबसे छोटे वाले हैं, फिर कुछ बड़े हैं, साथ में एक मुर्गा है, और ये जो असील मुर्गी है हमारी, तो इनको तो हम सबको खुला छोड़ देंगे इसमें, और केवल जो हमारा बाहर जो हमने केज रखा हुआ है छोटा वाला, उसमें हम लोग जो अपने छोटे बर्ड्स हैं उनको रहने देंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी बरसात पूरी बची हुई है, अभी तो केवल बरसात स्टार्ट हुई है, तो उससे आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि जैसे हमारे यहाँ बड़ी खिड़की है, और हमने इस वजह से लगाई थी है कि जो क्रॉस वेंटिलेशन है वो अच्छी तरह से हो, महक ज़्यादा ना आए। अभी इतनी महक नहीं आ रही है, लेकिन ये है कि इससे हमें ये नुकसान हो गया है कि पानी जो है वो ज़्यादा आ गया अंदर, यानी जो बारिश का फोर्स था वो हद से ज़्यादा था, और ऊपर से पूरी रात हुई है बारिश, इवन सुबह जब मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था उस टाइम पे रुकी है। इस वजह से भी जो ये अंदर है शेड हमारा, तो ये गीला गीला सा हो गया है, इसकी सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी। और कुछ फ्रेंड्स का ये कहना था सर कि आपका जो लीटर मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, रीज़न मैंने आप लोगों को हालांकि पहले भी वीडियो में बताया था, और फिर दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कंडीशन आप लोग देख सकते हो सारा पानी पानी हो रखा है, तो अगर हम बुरादा बिछाएंगे तो भी हमें दिक्कत है, रेत बिछाएंगे तो भी हमें दिक्कत है। इस वजह से हमने इसको खाली छोड़ रखा है, और जैसे भी पानी हो गया या बीट हो गई तो सबकी सफाई जो है वो हम हफ्ते में 1 या 2 बार हम लोग कर देते हैं।
इस तरह से हम लोग थोड़ा सा मैनेज करके चल रहे हैं, क्योंकि बरसात भर में तो इसी तरह की जो दिक्कत है वो हमारे लिए बार बार खड़ी होगी। और उसके अलावा अभी हम देखते हैं कि अगर इसके अलावा कुछ और अगर हम इसका अरेंजमेंट कर सकें खिड़की का, क्योंकि बारिश के साथ साथ दिक्कत ये होती है, तूफान भी रहता है। सो उस केस में जैसे अगर हम पन्नी लगाते हैं तो पन्नी इजीली फट जाती है, और जो तिरपाल वाली होती है मोटी तो उसमें लाइट अंदर नहीं आती, उससे पूरा अंधेरा हो जाता है। सो इस वजह से थोड़ी इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है। बाकी हम देखेंगे अगर फाइबर शीट का अगर अरेंजमेंट हो पाएगा तो वो हम लोग इसमें लगा देंगे, लेकिन उसमें भी फिर हमें दिक्कत हो जाएगी कि जो हवा है वो ठीक से पास नहीं होगी। सो कई सारी चीज़ें देख करके चलनी पड़ती है। सो गाइज आप लोग भी ये चीज़ समझ सकते हो, साथ में आप लोगों के साथ भी ये कंडीशन हो सकती है, क्योंकि पूरे भारत भर में बारिश का जो मौसम है वो चल रहा है। सो जिन्होंने भी शेड बना रखे हैं, चाहे वो छत में हो चाहे ज़मीन में हो, ज़मीन वालों को ये दिक्कत हो जाती है कि पानी भर जाता है सारे में। सो इस तरह की दिक्कतें हर किसी के साथ है। सो बरसात के मौसम में तो बहुत मुश्किल हो जाता है अपने बर्ड्स को अच्छी तरीके से सामान निकले, क्योंकि सर्दियों में यह है कि खिड़कियाँ हम प्रॉपर कंबल से या चादर से हम लोग ढक देते हैं, गर्मियों में यह है कि इनको छांव चाहिए रहती है। और वैसे तो इस बार मैं खैर कोशिश कर रहा था फ़ैन लगाने के लिए, लेकिन फ़ैन भी नहीं लगा पाए। सो इस तरह के कुछ जो गर्मी और सर्दी में तो खैर दिक्कत इतनी नहीं हो पाती, लेकिन बरसात में हद से ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। सो इन सब चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। और ये जो लोग मुर्गी पालते हैं अभी तक के पाल रहे हैं या जिन्होंने अभी हाल ही में शुरू करा है, सो उनके लिए ये जो वीडियो है प्रैक्टिकल वीडियो साबित हो सकती है, क्योंकि हर एक के साथ इस तरह की प्रॉब्लम होने वाली है ना। अगर आपका जो शेड है या अगर आप छोटे लेवल में भी पाल रहे हो, एक या दो आपने मुर्गी रखी है तो घर में संभल जाती है, लेकिन अगर आपने इस तरह का अरेंजमेंट कर रखा है, छत में कर रखा हो या फिर नीचे एक कमरा डाल रखा हो, सो उस केस में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि क्रॉस वेंटिलेशन भी ज़रूरी है, साथ में इनकी प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है। सो हर एक चीज़ को मैनेज करके चलना पड़ता है साथ साथ, तो इस वजह से कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है। इसके अलावा यदि अगर आप आसपास का अगर आप देखना चाहें, सो जो हमारा कल के दिन व्लॉग आने वाला है, सो उसमें आप लोग देख सकते हो कि हमारे घर के आसपास कितना ज़्यादा पानी भरा है, घर के चारों ओर इतना पानी भर रखा है जो कि हद से ज़्यादा है। सो अगर हम इनको नीचे रखते सो उस केस में भी दिक्कत है, और अभी जैसे ऊपर है सो ऊपर ये दिक्कत हो गई कि पानी जो है वो खिड़कियों से आया है, क्योंकि प्रॉपर सील नहीं है खिड़कियाँ, साइड साइड से थोड़ी सी जगह है, सो इस वजह से इस तरह का जो दिक्कत है वो हमारे सामने आई है। तो गाइस आज की जो ये वीडियो है आज हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि और आज की जो ये वीडियो है ये हम यहीं पर एंड करते हैं, और साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड वंस अगेन गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, और साथ ही हमारे चैनल में 9000 सब्सक्राइबर्स होने की खुशी में भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और फिर दोबारा से आप सभी का हमारी ये वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।